हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय बजाज सर। आज मैं आपके साथ स्टैंडर्ड प्लस टू के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर 10 डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यहां से आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स जो होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, रेजिस्टेंस वाले, सेल्स वाले, उनको कैसे सॉल्व करना है ईजी वे में। ठीक है जी, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने का आज अलग दूसरा तरीका भी मिलेगा जी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे शुरुआत करते हैं किरचॉफ लॉ से। हमारे पास किरचॉफ ने दो लॉस दिए ऐसे जो हमें सर्किट्स, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। किरचॉफ लॉ, दीज लॉज वर मेड टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स सर्किट कंटेनिंग टू और मोर सेल्स और रेजिस्टर्स। सबसे पहले बात करेंगे जंक्शन क्या होता है। जंक्शन होता है एक मीटिंग पॉइंट। किसका मीटिंग पॉइंट? अ पॉइंट वेयर टू और मोर वायर्स मीट इन अ सर्किट। ये एक जंक्शन बनाया मैंने, यहाँ पे एक दो तीन चार वायर्स मीट कर रही हैं, तीन में करंट आ रहा है, एक से जा रहा है, राइट। तो ये एक जंक्शन हो गया। लूप क्या होता है? लूप इज एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ सर्किट। ये एक सर्किट है, इट्स अ गिवन सर्किट। इसके अंदर मुझे तीन लूप्स दिख रही हैं। सर्किट कंप्लीट नहीं, सर्किट का हिस्सा। तो यहाँ पे देखिए लूप, ये एक लूप है ए बी सी डी ए, ये एक लूप है, ये दूसरी लूप है डी सी ई एफ डी, एक तीसरी भी है देखो ए बी सी ई डी ई एफ, ये बड़ी वाली है। तो मुझे ये लूप्स दिख रही हैं जो सर्किट का एक हिस्सा है, पर वो भी क्लोज्ड है। ये बड़ा ज़रूरी है, क्लोज्ड पार्ट चाहिए, राइट, दैट इज़ अ लूप। अब किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल, जंक्शन रूल, कुछ भी कह सकते हो। इट स्टेट्स दैट टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। दैट इज अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी पॉइंट इन अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इसका मतलब क्या? बहुत सिंपल लॉ है जी, कि एक जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उससे उतना ही करंट जाएगा। आने वाला करंट देखिए I1, I2, I3, आने वाला करंट, जाने वाला I4, I5, तो ये दोनों बराबर होंगे। आने वाला और जाने वाला करंट बराबर होगा तो डेल्टा आई विल बी जीरो, बिकॉज ये देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 विल बी इक्वल टू जीरो। तो समेशन अगर सारे करंट्स का कर लूंगा डेट मस्ट बी जीरो, देर विल बी नो चेंज, जितना करंट आया उतना ही आगे चला गया। इसको बोलते हैं केसीएल, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, दैट इज किरचॉफ करंट लॉ आल्सो। देन कम्स टू बी किरचॉफ सेकंड लॉ, और इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, दैट इज केवीएल। क्लियर है? केवीएल। इट स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल कंपोनेंट्स इन अ क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज जीरो। ठीक है जी, इसका मतलब समझाता हूँ। इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, ऊपर वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे था। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ओपन लूप वाला कंसेप्ट किया था, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना जी। अगर मैं ए और बी को जोड़ दूंगा आपस में तो ये क्लोज लूप बन जाएगी, तो ए और बी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तभी जुड़ पाएंगे ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? जीरो। तो उसने यही बोला, एक सर्किट में, एक लूप में सभी कंपोनेंट्स के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंसेस अगर ऐड कर दें सभी के निकाल के, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। दैट इज अलॉन्ग रेजिस्टेंस के पोटेंशियल्स, रेजिस्टेंस के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंसेस प्लस ईएमएफ्स विल नेट टू बी जीरो। ठीक है, ओपन लूप को ऐसे सॉल्व करते थे। अगर दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे तो VA माइनस VB इक्वल टू, VA इक्वल टू VB हो जाएगा, तो VA माइनस VB इक्वल टू जीरो आ जाएगा। मतलब इनको इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। दिस विल बी मोर क्लियर इन अ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देखिए, ये हमारे पास एक सर्किट गिवन है 12 वोल्ट, 4 ओम, 2 ओम, इधर से भी 6 वोल्ट, 1 ओम, और हमें बोला गया फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। हमें ये करंट नहीं गिवन थे, ये करंट मैंने खुद बनाए हैं। आपको सर्किट में खुद करंट बनाने, केसीएल और केवीएल यूज करके। मैंने दोनों बैटरीज के पॉजिटिव से करंट निकाल लिया, इसमें से निकाला I1, इसमें से निकाला I2। ये था जंक्शन, जितना करंट जंक्शन पे आ रहा उतना ही जाएगा। तो यहाँ से I1, यहाँ से I2 मिलके I1 प्लस I2, यहाँ से इसमें जा रहा करंट I1 प्लस I2 वापस गया, इधर I2 इधर I1 नहीं जा सकता, जितना बैटरी से करंट निकला उतना ही वापस ले जाओ, सिंपल। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट बना दी मैंने। ठीक है जी, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 वी नीड टू लूप्स, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? दो, एक I1 और एक I2। दो वेरिएबल्स के लिए दो लूप्स चाहिए, बिकॉज हमने मैथमेटिकली सॉल्व करना, दो वेरिएबल्स के लिए दो इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले लूप मैंने कंसिडर की ए बी सी डी ए। किरचॉफ लॉ कैसे अप्लाई करना है वो पहले लेक्चर में करवा चुका हूँ इससे पहले। अब देखिए करना कैसे है, देखिए इधर से चलना शुरू हुए बी,
ए से बी रास्ते में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। इसके बाद जब इसमें से करंट जा रहे हैं, इसका अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आई टू लो जा रहे हैं, माइनस माइनस आई आर, आई वन प्लस आई टू, यहाँ फंस जाएंगे ना, यहाँ से यहाँ पे फिर फंस जाएंगे, फंस जाएंगे तो माइनस माइनस आई टू इंटू वन। अब लो से हाई जा रहे हैं तो प्लस, इक्वल टू जीरो। ये किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आगे हमारे सॉल्व करके 4i1 प्लस 5i2 इक्वेशन 6, इक्वेशन नंबर 1। लूप दूसरी ली, बी सी ई एफ ई बी, ये वाली, ठीक है जी। पहले वाले में हम ऐसे चले हैं, दूसरे वाले में हम ऐसे चले हैं, हम जैसे चल रहे हैं उसके हिसाब से देखेंगे। यहाँ से जाते हुए फंस जाएंगे तो माइनस, इधर जाके फिर फंस जाएंगे, i1 इंटू 2 माइनस, लो से हाई प्लस इक्वल टू जीरो। यहाँ से आगे 6i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 12। ये दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली मैथमेटिक्स को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए, i1 और i2 की वैल्यू निकाल लीजिए, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। सिंप्लीफाई किया क्रॉस, इनको एलिमिनेशन करने के लिए हमने सेम बनाया 12i1 12i1, एलिमिनेट लगाया, यहाँ से i2 आ गया, वैल्यू फिल करके फिर i1 आ गया, ठीक है जी। i2 i1 फिर लास्ट में आ गया i1 प्लस i2। तो हमने तीनों i1 i2 और i1 प्लस i2 तीनों रजिस्टर में जितना करंट जा रहा है वो फाइंड कर लिया। दिस इज किरचॉफ लॉ, ओके, दोनों लॉस को अप्लाई कर दिया। एक और एग्जांपल देखिए और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये एक सर्किट हमें गिवन था, कोई करंट नहीं गिवन था, इधर 5 वोल्ट का बैटरी था, इधर 20 ओम था, इधर 200 ओम था, इधर 60 ओम था और इधर 4 वोल्ट का बैटरी था। फिर वही क्वेश्चन है, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। तो यहाँ पे मैंने पहले करंट बनाया, इसमें से I1 निकाला, इसमें से I2 निकाला, मिल गया I1 प्लस I2 बन गया, फिर इधर I1 वापस, इधर I2 वापस। अब लूप लिए, लूप लिया ए सी बी ए, ए सी बी ए, जैसे लिखा है वैसे ही चलना होता है। पहले ए से सी गए, फंस जाएंगे माइनस, सी से बी गए, फंस जाएंगे माइनस, लो से हाई प्लस, सॉल्व करके ये इक्वेशन बन गया, एग्रीड। दूसरी लूप ए सी डी ए, फंस जाएंगे, इधर भी फंस जाएंगे और इधर लो से आई प्लस, सॉल्व करके ये इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए एलिमिनेशन मेथड से, I1 और I2 की वैल्यू निकालनी चाहिए। यू गॉट इट? अगर I1 I2 आ गया तो I1 प्लस I2 भी आप निकाल सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमने क्या किया, कुछ खास नहीं, बेसिक किरचॉफ फर्स्ट लॉ, उसके बाद लूप्स कौन सी कंसिडर करनी है, लूप्स कौन सी कंसिडर करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और किरचॉफ लॉ को अप्लाई करना है। बाकी इतना यहाँ तक फिजिक्स से, आगे मैथमेटिक्स है, राइट? तो मैथमेटिक्स में गलती नहीं करनी, इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है ताकि इसमें गलती ना हो, कैलकुलेशन ज़्यादा है तो इस वजह से, बट इट मेक्स कॉम्प्लेक्स सर्किट टू बी सॉल्व इन अ वेरी ईजी वे। फाइन, आई होप आई हैव क्लियर यू द किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ एप्लीकेशन। इसके अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर डू वॉच फॉर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर किरचॉफ लॉ एंड एप्लीकेशंस, राइट? थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।